हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग दुनिया। आज आम यही वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 16 रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ आने जहाँकि आप ऑल बीएड एंट्रेंस एग्जाम हेल्प कर। क्वेश्चन नंबर वन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन मैग्ना कार्टा बोले क्या कही थूँ? ऑप्शन ए हंटर कमिशन, ऑप्शन बी सर्जेंट कमिशन, ऑप्शन सी मैकुलिस मिनट, ऑप्शन डी वुड्स डेस्पात। यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर, वुड्स डेस्पात, जहाँ को आम कही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। वुड्स डेस्पात जो दिखाला 1854 दिखाई सर चार्ल्स वुड को द्वारा दिखाई सर चार्ल्स वुड को द्वारा होता है वुड्स डेस्पात रिपोर्टा जहाँ को मैग्ना कार्टा कही है इंडियन एजुकेशन रखु। जो वुड्स डेस्पात तहार मेन एम कौन थी? टू प्रमोट, कौन प्रमोट करने वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया प्रमोट करने दिखाई जोटा कि इंग्लीश अच्छे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंग्लीशा को कौन करने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन करने कराई वुड्स डेस्पात रिपोर्टा एजुकेशन उपर इम्प्रूव आने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू देखते रही द ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम लॉन्च इन द ईयर। जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्रामा के लॉन्च कराई था? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1987। कौटा ठीक हम? यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर 1987। देखो जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्रामा दिखाई 1987 दिखाई था कितु प्रकृति जी देखा तो 1986-87 भितर दिखाई तेणु क्वेश्चन बेले बेले 1986 आसते कि 86 और 87 दुईटा थी तेल 87 ही करेंगे। जदि गुगुल सर्च करेंगे निहाती भाव में 1987 ही आसो। देखो जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम दिखाई से कौन पे दिखाई टू प्रोवाइड मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटी टू प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल जी मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करने कौन कर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्रामा दिखाई जो मिनिमम कितना क्लासरूम रहा कथ ये सब गुड़ाक जो मिनिमम फैसिलिटी प्राइमरी स्कूल प्रोवाइड करने ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम दिखाई। ऑप्शन नंबर डी हम करेंट आंसर टू रो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते रही ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वाज इंट्रोड्यूस इन टू इम्प्रूव। जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्रामा दिखाई कहार इम्प्रूव करने ऑप्शन ए सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन बी हायर एजुकेशन, ऑप्शन सी प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन डी टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर थ्री, यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर प्राइमरी एजुकेशन। देखो जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्रामा दिखाई प्राइमरी एजुकेशन डेवलप करने इम्प्रूव आने दिखाई ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्रामा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर देखते रही एनसीईआरटी वाज एस्टाब्लीश इन द ईयर। एनसीईआरटी प्रथम मन रखिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी फुल फॉर्म कौन? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। के फॉर्मेशन कराई थी सीटा? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1958। कौटा ठीक हम? यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर 1961। 1961 एनसीईआरटी एस्टाब्लीश कराई थी। देखो बर्तमान आउ गोटे क्वेश्चन आसे तार डायरेक्टर किए, बर्तमान डायरेक्टर किए अच्छा मत क्वेश्चन आसे जार डायरेक्टर जी हृषिकेश सेनापति। हृषिकेश सेनापति होती डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते रही द आइडिया ऑफ फोर पिलर एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाय। जो आइडिया ऑफ फोर पिलर एजुकेशन जो फोर पिलर रही से आइडिया किए देते? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी एनसीटी, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी यूजीसी। यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर यूनेस्को देते। द आइडिया ऑफ फोर पिलर एजुकेशन जो रही यूनेस्को, यूनेस्को फुल फॉर्म मन रखिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हेडक्वार्टर रही प्यारिस रही फ्रांस प्यारिस रही यूनेस्को हेडक्वार्टर से मन रखिए। क्वेश्चन आसे के जोटा कि 1958 भी यूनेस्को फॉर्मेशन कराई थी। देखो जो फोर पिलर रही आइडिया फोर पिलर जो देते यूनेस्को दे जो फोर पिलर से फोर पिलरटा कौन कौन से आपने मन रखिए। क्वेश्चन आसी था सीटा भी लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव। मन रखिए लर्निंग टू लिव, लर्निंग टू लिव टुगेदर ये चार्टा हूँ जोटा कि फोर पिलर ऑफ एजुकेशन बोली कहते लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये चार्टा हूँ फोर पिलर ऑफ एजुकेशन जहाँकि यूनेस्को द्वारा दि जाइए आइडियाटा। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते रही एनसीटीई वाज एस्टाब्लीश
बाय द एक्ट ऑफ 1993 पार्लियामेंट इन, तो एक्ट 1993 द्वारा एनसीटीटा एस्टाब्लीश कराई थी केबे एस्टाब्लीश कराई थी। एनसीटी रो फुल फॉर्म पते मन रखे एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जाए केबे थिला ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1986 कोडा ठीक हबो। यार सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी हबो करे 1995 रे दिया थिला एनसीटी जेरो के एस्टाब्लीश कराई थिला। देखो तो एनसीटी जो एस्टाब्लीश कराई थिला काहे के एस्टाब्लीश कराई थिला जोटा कि टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करिया पई, एजुकेशन ऊपर इंप्रूव आनिबा पई, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करिया पई, टीचर मानको ट्रेनिंग देबा पई एनसीटी फॉर्मेशन कराई थिला। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखंतु रही नवोदय विद्यालय प्रोवाइड एजुकेशन टू, तो नवोदय विद्यालय रही कौन एजुकेशन प्रोवाइड क्या, ऑप्शन ए रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी अर्बन स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी रूरल स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी गर्ल स्टूडेंट्स ओनली कौन ठीक हे। यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए हेबर आंसर रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट, रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट मानक कौन करते नवोदय विद्यालय एंट्रेंस माध्यम से सिलेक्शन कराई थे आने एडमिशन करने सुविधा पाई जोटा कि 6 to 12th क्लास पर्यटन फैसिलिटी मिलता है फ्री रे बिना मूल्य से पढ़ी पारे जोटा कि जो मैंने रूराल टैलेंटेड स्टूडेंट। देखो जो ये जे एन बी जवाहरलाल नवोदय विद्यालय जो रही केबे फॉर्मेशन कराई थी जवाहरलाल नवोदय विद्यालय प्रथम कराई थी 1985 मन रखी थी 1985 क्वेश्चन आसे केबे केबे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखु नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया व्हाट इज डेवलप बाय, जो एनसीएफटीई जोटा रही मन रखिए एनसीएफटीई 2009 वाज डेवलप बाय कहा द्वारा डेवलप कराई थी, ऑप्शन ए एनसीईआरटी, ऑप्शन डी न्यूपा, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी एनसीटी। क्वेश्चन नंबर 8 यार सटिक आंसर ऑप्शन नंबर डी हो करे एनसीटी, जो एनसीएफटीईटा 2019 दिया है थिला एनसीटी द्वारा डेवलप कराई थिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखंतु रही एस्टाब्लिशमेंट ऑफ डाइट व्हाट रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ, जो रही डाइट फॉर्मेशन कराई थिला कहार रिकमेंडेशन रे फॉर्मेशन कराई थिला, डाइट फुल फॉर्म मध्य मन रखिबे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग जोटा कि डीईएलईडी पिला माने सेठी ट्रेनिंग नहीं थांती डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग डाइट सेटा कहार रिकमेंडेशन फॉर्मेशन कराई थिला एस्टाब्लिश कराई थिला, ऑप्शन ए इंडियन एजुकेशन कमीशन 1982, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, ऑप्शन सी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, ऑप्शन डी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 कोड़ा ठीक हे। क्वेश्चन नंबर 9 यार सटिक आंसर ऑप्शन नंबर डी हे करे सर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 जो एनपी 1986 द्वारा डाइट एस्टाब्लिशमेंट कराई थी रिकमेंडेशन रही कि एनपी 1986। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते रही सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू इंटू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वाइज सिस्टेड बाय, जो सिलेक्शन होती वर्तमान एडमिशन करूँ क्यों मैंने टीचर ट्रेनिंग नाप जो रही बीईडी सीटी किंबा जहाँ भी है टीचर ट्रेनिंग जो मैंने नौकर एंट्रांस बेसिस सिलेक्शन कराऊँगा किए सजेस्ट करता, ऑप्शन ए एनसीटी, ऑप्शन बी एनपीईआरसी, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी एनसीईआरटी कोड़ा ठीक हे। क्वेश्चन नंबर 10 यार सटिक आंसर ऑप्शन नंबर बी हे कर एनपीईआरसी, एनपीईआरसी फुल फॉर्म मन रखिए एनपीएन रहला नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशनल रिव्यू कमिटी आर ए रिव्यू सी रे कमिटी मन रखिए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशनल रिव्यू कमिटी, एजुकेशन रिव्यू कमिटी द्वारा कौन कराई थिला टीचर ट्रेनिंग प्रोग्रामटा सजेस्ट कराई थिला जोटा कि सिलेक्शन टेस्ट द्वारा एडमिशन करेंगे से ऑप्शन नंबर बी हे करेक्ट सर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते रही अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग इज एन कैरेक्टर इट्स कैरेक्टर, देखो एनसीएफ 2005 जो दिखाई लर्निंगटा कौन हवा कथा, ऑप्शन ए एक्टिव एंड सोशल, ऑप्शन बी पासिव सिंपल, ऑप्शन सी पासिव सोशल, ऑप्शन डी एक्टिव सिंपल कौटा ठीक हे।
यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए हेबा क्वेश्चन करेक्ट आंसर एक्टिव एंड सोशल। देखो जो एनसीएफ 2005 द्वारा जो दिया है लर्निंग का कौन होगा लर्निंग कैरेक्टर होगा एक्टिव और सोशल होगा कथा। देखो टोटल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ फुल फॉर्म मन रखी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो एनसीएफ फुल फॉर्म जो एनसीएफ टा दिया टोटल कत एनसीएफ आसान टोटल चार्टा एनसीएफ आसी बर्तमान पर्यंत फास्ट है 1975 रे एनसीएफ एनसीएफ 1975 1988 तापर 2000 रे गोटे एनसीएफ आसला तापर 2005 एमती टोटल चार्टा एनसीएफ आसी के क्वेश्चन आसे कि रिसेंट जो देखिए तेल एनसीएफ 2005 हो जोटा कि एक्टिव और सोशल हो तार कैरेक्टर तापर देखो मुझे आपको देखे फाइव प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ एनसीएफ जो 2005 रही पाँचटा प्रिंसिपल रही जोटा कि क्वेश्चन आसे निहाती भाव आसो क्वेश्चन जोटा कि पाँचटा प्रिंसिपल रही एनसीएफ रखते मुझे बुझे दूँ। एक नंबर रही टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड जो लर्निंग रही है शिफ्ट करवा रोट मेथड रू मैंने घोषा पद्धति केमती आम शिक्षार्थी को निवृत्त करवा जोटा रोट लर्निंग टाक बंद करवा मैंने कंस्ट्रक्टिव लर्निंग को इम्प्रूव करवा जोटा घोषा पद्धति बंद करवा फर्स्ट पॉइंट जोटा। सेकेंड पॉइंट हूँ कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल देखो नॉलेजटा केमती करवा लाइफ रो जीवन सहित जोड़ा मैंने विद्यालय जहाँ पढ़ा बाहर जीवन सहित जोड़ा सीटा हूँ लाइफ आउटसाइड द स्कूल। दे नेक्स्ट रही देखो टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल देखो जो एग्जामिनेशन सिस्टमटा रही से एग्जामिनेशन सिस्टमटा कौन कर मोर फ्लेक्सिबल करदे मैंने नमनीय करदे आकि श्रेणीगृह जीवन सह समन्वित करवा श्रेणीगृह सहित जोड़ा एग्जामिनेशन सिस्टम टू तापर नेक्स्ट रही देखो टू एनरिच मैंने थर्ड पॉइंट मन रखिए कहीं एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल करवा से पॉइंटा देन फोर्थ पॉइंट देखो टू एनरिच करिकुलम टू सो दैट इट गोज बियंड टेक्स्ट बुक जो करिकुलम रही करिकुलमटा कौन करवा ना शिशुर जमी ऑलराउंड डेवलपमेंट कर से उपरे करिकुलमटा रहा केवल टेक्स्ट बुक नुहे तार सर्वांगीन केमती विकास हो पार से उपरे गुरुत्व देवा करिकुलमटा को तापर देखो लास्ट जो पॉइंट रही नर्चरिंग द ओवर राइडिंग आइडेंटिटी बाय केयरिंग कनसर्न विदिन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री देखो जो रही लास्ट पॉइंट आप नर्चरिंग मैंने क्या केमी गढ़ा देशर जो गणतांत्रिक धारा मध्य व्यक्ति सत्ता विकास करें जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी केमी इम्प्रूव हो सर लोक शिक्षार्थी मानक केमी डेवलप हे से चिंता करवा मैंने डेमोक्रेटिक पॉलिटी केमती हे देश में सर ध्यान देवा यहाँ थी पाँचटा प्रिंसिपल जहाँ क्वेश्चन आसी थाए आप क्वेश्चन आसो क्योंटा नुहे कहीथ तेल सेमती आसो। दे नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्वेश्चन नंबर 12 देखते रही कोठरी कमिशन रिपोर्ट व्हाट्स एंटाइटल एज जो कोठरी कमिशन रिपोर्ट देता एंटाइटल कौन थी ऑप्शन ए एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट ऑप्शन बी लर्निंग टू बी ऑप्शन सी डायवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन ऑप्शन डी एजुकेशन एंड सोशल चेंज इन डेमोक्रेसी कोड़ा ठीक है यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए हे करेक्ट आंसर एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट जो दिखाई कोठरी कमिशन रिपोर्टा तार एंटाइटल कौन थी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट तापर आप मन रखिए कोठरी कमिशन रिपोर्टा केवे दिखाई 1964-66 क्वेश्चन आसी 1964-66 कौन कर कोठरी कमिशन रिपोर्टा दिखाई जार एंटाइटल थी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट देखो जो रही कोठरी कमिशन या आम नेशनल एजुकेशन कमिशन कहीथ जहाँकि कहार चेयरमैनशिप होता डॉक्टर डीएस कोठरी डॉक्टर डीएस कोठरी अध्यक्षतार यहाँ कराई कोठरी कमिशन रिपोर्टा दिखाई दौलत सिंह कोठरी जोटा कि रही डीएस कोठरी। दे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 देखो रही अकॉर्डिंग टू एनपी 1986 एजुकेशन इज एनपी 1986 द्वारा एजुकेशन कौन बोली कही ऑप्शन ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बी रिटर्न ऑप्शन सी नेशनल प्रोग्राम ऑप्शन डी सोशल प्रोग्राम कौटा ठीक है यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर नेशनल प्रोग्राम जो एनपी 1986 द्वारा एजुकेशन गोटे कौन नेशनल प्रोग्राम देशर उन्नति लगी एजुकेशन रही जोटा कि नेशनल प्रोग्राम कह एजुकेशन टाक। दे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 देखते रही व्हाट व्वाज द पर्पज अफ मिड डे मिल स्कीम एट प्राइमरी लेवल जो मिड डे मिल स्कीम रही प्राइमरी लेवल तार मेन पर्पज कौन रही ऑप्शन ए टू कीप टीचर्स एंगेजमेंट ऑप्शन बी टू इनक्रीज एनरोलमेंट इन स्कूल्स ऑप्शन सी टू
प्रोवाइड एनरोलमेंट टू कुक्स, ऑप्शन डी टू प्रोवाइड वन मिल टू चिल्ड्रेन एवरी डे। यार सटिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर, टू इनक्रीज एनरोलमेंट इन स्कूल। स्कूल रे एनरोलमेंट माने नाम लिखा केमी बढ़े पे पिला संख्या केमी बढ़े से उपर पे केमी सब पिला पाठ पढ़े से उपर ध्यान देखिए मिड डे मिल स्कीमटा प्रोवाइड कराई बर्तमान जोटा कि प्राइमरी लेवल रे आप क्लास वन टू आरंभ कर एट क्लास पर्यंत जोटा कि मिड डे मिल स्कीम दिखाई मध्यान्न भोजन जहाँकि देखो एम डी एमटा जो 1995 रे स्कीमटा स्टार्ट होता मिड डे मिल स्कीमटा देखो खाली जे एनरोलमेंट इम्प्रूवमेंट भी इनक्रीज करेंगे सेटा नुहे बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने तहार इम्पोर्टेंट उद्देश्य। तापर देखो लास्ट क्वेश्चन आज मिड डे मिल स्कीम लॉन्च इन देखो मिड डे मिल स्कीम रही के लॉन्च कराई था ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1987 कौटे ठीक हे। क्वेश्चन नंबर 15 यार सटिक आंसर हम ऑप्शन नंबर ए हे करेक्ट आंसर जहाँकि आपको टी आगे कही 1995 मिड डे मिल स्कीम दी जाइए ये थी इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन। जदि आपको भिडियो भल लगे निश्चित भाव लाइक करेंगे निज फ्रेंड्स मानक सेयार करेंगे जदि एपर्त आप सब्सक्राइब करना तेल चैनल को सब्सक्राइब करदे। देखो आप टीचिंग एप्टीच्यूड जदि आपचिंग एप्टीच्यूड प्राक्ट करा चाहती तेल टीचिंग दुनिया टेलीग्राम चैनल को जॉइन करूँ जहाँ लिंक मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी से आपने चेक करेंगे जो ग्रुप को जी टेलीग्राम ग्रुप के टीचिंग दुनिया से आपने स्क्रॉल करेंगे देखिए प्रीवियस रु जहाँ भी मुझे क्वेश्चन देखिए क्विज मोड रही आपने क्लिक करेंगे जब रंग आंसर बतेले रंग बतेब तो ठीक आंसर बतेले तेल से मत टिक मार आपने प्राक्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस।